Across Pakistan, this is FM 100 and I'm your presenter Mahnoor Qureshi. FM 100 रहबर में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ. रहबर में हमारे रहबर बने हैं मिस्टर गुलाब राय, जो कि प्रोग्राम मैनेजर है सुकार फाउंडेशन के. आइए उनसे जानते हैं कि वो कहाँ पर मौजूद है और क्या सिचुएशन है उस जगह की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. गुलाब राय साहब, आप कहाँ पर मौजूद हैं? जी, मैं हूँ इस वक्त मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हूँ और हम यहाँ जो फ्लड अफेक्टेड कम्युनिटीज हैं उनके लिए काम कर रहे हैं. सही. अच्छा, कंडीशन क्या है वहाँ के लोगों की, सैलाब जदगान की, सैलाब के बाद अब क्या हालात है वहाँ पे? मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त ये है कि पानी अभी तक मौजूद है. पानी सतह जिस तरह से एक एक्सपेक्टेशन थी कि कुछ दिनों में वो उनकी लेवल कम हो जाएगी, वो उस तरह से नहीं है. तो इतने दिन गुजरने के बाद ऑलमोस्ट एक महीना होने वाला है, लेकिन अभी तक लोग घरों तक वापस नहीं हो सके कि उनके घरों में पानी मौजूद है. लोगों की सूरत हाल ये है कि वल्नरेबिलिटीज जो है वो बहुत हद तक है. उनके हेल्थ के इश्यूज कंटिन्यू पानी खड़े होने की वजह से स्किन डिजीज, मलेरिया और मुख्तलिफ किस्म की जो इवन ये के डायरिया या गैस्ट्रो की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज्यादा हैं. उसके अलावा उनके पास जो एक तरह वो जो शेल्टर है उसकी शायद कमी है, इस वजह से कि रिस्पांस उस तरह से इन प्लेस नहीं हो सका है. तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिस तरह एक सपोर्ट होनी चाहिए उस लेवल पे नहीं है. इस वक्त शदीद जरूरत है कि लोगों को राशन भी मिले और कम से कम उनको वापस घर जाने में जो उनकी हेल्प हो, ताकि कैश इस तरह की असिस्टेंस उनको मिले, ताकि वो अब वापस अप उस जगह पे अपने घर पहुंच सकें और उनको स्टार्ट ले सकें दोबारा से. ना सही, आपने हमें लोगों की कंडीशन से आगाह किया. अब रिलीफ एक्टिविटीज के हवाले से हमें बताइएगा कि लोगों के लिए काम क्या हो रहे हैं. हाँ, इस वक्त जो पानी और जो पका हुआ खाना भी मिल रहा है और राशन भी मिल रहा है, कुछ मेडिकल कैंप्स हैं, लेकिन ये जो एक्टिविटीज हो रही हैं ये इनकी कवरेज कम है. जिस लेवल पे जो जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, जबकि रिलीफ इंटरवेंशन उस लेवल की नहीं है. तो इसके स्केल बढ़ाने की शदीद जरूरत है. तो बाकी ये जिस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट की जो टीम्स हैं वो भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन काफी पॉकेट्स ऐसे हैं जो कि वो एक्सेस में अभी तक एक्सेसेबल भी नहीं है. वहां तक अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन या इवन अथॉरिटीज नहीं पहुंच सकी है. तो हमारी कोशिश भी ये है, हम भी कर रहे हैं लेकिन कुछ एरियाज के अंदर जिसमें मल्टीपल कैश भी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल असिस्टेंस भी दे रहे हैं. साथ साथ जो हम खवातीन है खासतौर पर, क्योंकि ये एक महीने का पूरा प्रोसेस है, तो उसके अंदर उनकी कंडीशन इस तरह की हम उनके लिए सेफ स्पेसेस वगैरह सोशल साइको सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इन एरियाज के अंदर. ना सही. अगर आप अपनी लोकल लैंग्वेज में कोई पैगाम देना चाहें हमारे लिसनर्स को तो दैट वुड बी ग्रेट. जी बिल्कुल, मेरा यही होगा कि जो भी लोग हैं इस वक्त, ये हमारे जितने भी मुतासरीन भाई हैं, ये वो नहीं है लोग के कोई इनको मुश्किल घड़ी है, इसमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए हमें. अगर हम में से हर एक घर भी अडॉप्ट कर लेना, उनको वापसी का बंदोबस्त कर ले, उसके खाने का एक महीने का बंदोबस्त कर सकता है, तो मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस मुश्किल घड़ी से निकल सकते हैं. तो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, ना कि हम किसी बड़े अदारों का इंतजार करें ना गवर्नमेंट का, लेकिन हम खुद लोग जो भी आस पास के लोग हैं वो अपने लोगों की मदद करने में किसी का इंतजार ना करें और शामिल हो जाए, ताकि वो आसानी से विथ रिस्पेक्ट डिग्निटी के साथ वापस अपनी वो बहाल हो सके, उनकी बहाली जो है वो उसको इंश्योर कर सके. बेशक, बहुत खास पैगाम आपने दिया कि अपने लेवल पे कुछ करना है. बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपने रिलीफ एक्टिविटीज में से टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया. थैंक यू जी. हमारे रहबर गुलाब राय साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं सुकार फाउंडेशन थर्ड पार्कर के. उन्होंने हमें मीरपुर खास से अपडेट किया क्या सिचुएशन है. FM 100 रहबर के थ्रू हम आपको अपडेट करते रहेंगे पाकिस्तान के दीगर इलाकों के बारे में भी.